हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ममता और आपका स्वागत है ममताज किचन में। तो दोस्तों, आज हम व्रत में खाने के लिए ये नमकीन बनाने जा रहे हैं। अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो एक दिन बना के रख लो और पूरे 9 दिन तक खा सकते हैं इसको। तो आप भी इसे एक बार बनाकर ज़रूर टेस्ट कीजिएगा कैसी लगती है अपनी फैमिली वालों के साथ, तो और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो जाती है, इसे बनाना बिल्कुल ही सिंपल है, तो आप भी एक बार बनाकर ज़रूर खाइएगा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 आलू। आलू को मैंने छीन कर पानी में रख दिया है। पानी में इसलिए रखा है ताकि काले नहीं पड़ेंगे, और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक और थोड़े से मूंगफली के दाने, क्योंकि हम फास्ट के लिए बना रहे हैं तो इसमें काले नमक और ओनली काला नमक, काली मिर्च और काला नमक ही डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको तो रख देते हैं साइड में, और हमारे जो आलू है ना उनको इससे बड़े वाले जो छेद है इससे ग्रेट कर लेंगे। पानी में ग्रेट करना है क्योंकि अगर पानी में ग्रेट नहीं करेंगे तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा और ऐसा नहीं करना है। तो हम इनको पानी में ग्रेट कर लेंगे सबसे मोटे वाले छेद में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, एक छलनी ले लेंगे इस तरीके से और आलू को इसमें डाल देंगे तो पानी नीचे निकल जाएगा और आलू इसमें रह जाएंगे। अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक साफ किचन टॉवल ले लेंगे और उसे बिछा लेंगे और उस पर ये छने हुए हमारे आलू ग्रेट किए हुए डाल देंगे। इस तरीके से फैला कर डालेंगे ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो इस पर निकल जाएगा। इस तरीके से फैला देंगे इनको। इस तरीके से पलट देंगे इधर से और इधर से भी इस तरीके से पलट देंगे ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो इसमें चला जाएगा टॉवल में। थोड़े से इस तरीके से कर देंगे ताकि इसमें हवा लगेगी तो इसमें ये सूख जाएंगे। इनको हम 2 मिनट टॉवल में रहने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 मिनट तक इसको टॉवल में रहने दिया था। अभी सूख गए हैं, पानी भी सूख गया है इनका। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में इनको निकाल लेते हैं। पानी में छिला था इसलिए देख लो इसका कलर फाल्ट नहीं हुआ। अगर पानी में नहीं ग्रेट करते हैं ना इसको तो ये एकदम काले पड़ जाते हैं और दिखने में बेकार दिखते हैं। तो जब भी आप बनाओ तो इसे पानी में ग्रेट करना है आलू को। पूरा आलू प्लेट में निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे। तो ऑयल को हाई हीट पे गर्म करेंगे। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े से आलू के लच्छे लेंगे और इसमें डाल देंगे। हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो हम इनको ऐसे ही ला देंगे एक बार। अब हम क्या करेंगे, इनको निकाल कर एक प्लेट में डाल लेंगे। ऑयल को पहले हाई हीट पे गर्म कर लेंगे, फिर गैस को मीडियम कर लेंगे। अब फिर से थोड़े से आलू के लच्छे लेंगे और इसमें डाल देंगे।
आलू तो पूरे फ्राई कर लिए हैं दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, मूंगफली के दाने हैं ना वो ऑयल में डाल देंगे, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चटकने स्टार्ट हो गए हैं और इनका कलर भी देखिए चेंज हो गया है, तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेट में निकाल लिया ना सबको, अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए सिंपल नमक यूज नहीं लेंगे, अगर व्रत के लिए नहीं बनाए तो अगर आप इसे ऐसे ही खाना चाहें बिना फास्ट के तो आप इसमें सिंपल वाला नमक भी डाल सकते हैं। ये मैंने नमक डाल दिया है, अब क्या करेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे ताकि इससे चटपटी हो जाएगी। मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्स कर दिए, एकदम बनकर रेडी हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है ना, तो आप ये एक बार बनाकर जरूर खाइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगे तो वो डिसलाइक का बटन है ना उसे दबा दीजिएगा, उससे क्या है ना कि मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी रेसिपी अच्छी थी या नहीं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।